मुंबई पुलिस की जांच से खुश नहीं है, लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बताते हैं। बड़ी खबर यह कि हार्दिक सतीश चंद्र शाह होंगे प्रधानमंत्री के निजी सचिव। 2010 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस हैं हार्दिक सतीश चंद्र शाह। प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव हैं इस वक्त हार्दिक शाह, और अब निजी सचिव होंगे। बहुत अहम जिम्मेदारी, पहले भी एक बहुत अहम पद पर थे, अब भी बहुत अहम जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। हार्दिक सतीश चंद्र शाह होंगे प्रधानमंत्री के निजी सचिव। 2010 बैच के गुजरात के अडर के आईएएस अधिकारी रविंद्र, ज्यादा जानकारी के साथ। रविंद्र, जब इतना अहम पद होता है तो लोगों में उत्सुकता भी होती है कि कैसे इन्हें चुना गया, हार्दिक सतीश चंद्र शाह। देखिए विशाल, पीएमओ में आने से पहले ये पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ थे, पर्यावरण मंत्रालय में उनके सचिव के तौर पर थे। उसके बाद पिछले कुछ महीने पहले, 6-8 महीने पहले इन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय में लाया गया था, क्योंकि आपको जानकारी है कि राजीव टोपनो जो पहले निजी सचिव थे, सालों से, पिछले 6 साल से प्रधानमंत्री के निजी सचिव रहे हैं, वो वर्ल्ड बैंक में अब चले गए हैं, तो ये स्थान एक तरह से रिक्त था और उस जगह पर अब हार्दिक शाह की अपॉइंटमेंट हुई है। तो कहीं ना कहीं गुजरात कैडर के 2010 के बैच के हैं, यंग आईएएस ऑफिसर हैं, पर्यावरण मामले में विशेषज्ञता इनको हासिल है, और इसी कारण से देखा जाए काफ़ी जानकार है पर्यावरण और दूसरे मामलों के, इसलिए इनको निजी सचिव के तौर पर रखा गया। एक काफ़ी महत्वपूर्ण पद होता है, प्रधानमंत्री कहा जाता है कि आँख ना कान होते हैं निजी सचिव। दो निजी सचिव होते हैं, एक आईएफएस होते हैं और एक आईएएस होते हैं। जब राजीव टोपनो चले गए वर्ल्ड बैंक में, तो उनकी जगह पर हार्दिक शाह को रखा गया है। तो ये यंग आईएएस ऑफिसर जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री के लिए काफ़ी सहायक होंगे, ऐसा माना जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र इस जानकारी के लिए। हार्दिक सतीश चंद्र शाह 2010 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी, अब प्रधानमंत्री के निजी सचिव होंगे। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।